दिन आज हम एक दुकान में आए हुए हैं, तो आइए इस भाई से कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया क्या नाम आपका? नाम मोहम्मद फरमान। मोहम्मद फरमान, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अजय। अजय, अच्छा आप बाल कटवाने के लिए आए हैं, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा फुरकान भाई, फरमान भाई, आप कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप नमाज वमाज पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं ना। जी जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, जो फजर की नमाज होती है उसमें कितनी रकात होती है? चार, दो सुन्नत दो फर्ज। अरे वाह माशाल्लाह। और जोहर में कितनी रकात होती है? बारह। क्या क्या? चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक। आप लेकिन नमाज पढ़ा करिए, ठीक। और माशाल्लाह ये जो आपने दाढ़ी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नूरानी चेहरा आपका, माशाल्लाह। आइए हमारे एक भाई यहाँ और बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सहबाज। सहबाज माशाल्लाह। अच्छा सहबाज ये बताइए, आप एक दो सहाबी रसूल का नाम बता दीजिए। हजरत उस्मान, हजरत बिलाल। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन, ठीक। और हजरत बिलाल, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन, जो सहाबी रसूल होता है, जो सहाबी रसूल होते हैं तो उसके नाम के बाद रदी अल्लाह ताला अन ये कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये कहिएगा, ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीर। मोहम्मद समीर। समीर माशाल्लाह। अच्छा आपको कलमा याद है? जी सुनाइए। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। दूसरा कलमा? दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे वाह माशाल्लाह। मदरसे में जाते पढ़ाई करने? ठीक है मदरसे में जाइए और बेहतरीन से बेहतरीन पढ़िए, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा हाँ जनाब फुरकान भाई, माशाल्लाह थोड़ा सा इधर कैमरा करिए। हाँ अच्छा फुरकान भाई ये बताइए, काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। कभी ज़्यादा कभी कम वो तो होता ही रहेगा, ठीक है। लिहाजा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा हम आपसे एक चीज़ और पूछेंगे, ठीक है। वो ये पूछेंगे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो जानते ही होंगे, है ना। तो ये जो हम लोग बकरीद के महीने में जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, ठीक है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए गए थे, तो आपके बेटे आपके साहबजादे का क्या नाम है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा आपने जवाब दिया। हजरत इस्माइल अला नबियरा अलैहिस्सलातु तस्लीम, और आपको हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी कहते हैं, है ना। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, माशाल्लाह आपने उम्दा जवाब दिया। नाज़रीन इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।